हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज धीरेन फ्रॉम decapted.com। और गाइस आज के इस एपिसोड में आप ये वाला इफेक्ट सीखने वाले हैं। तो अभी देखिए, जस्ट मैं आ गया हूँ कॉर्नर पे और जिस साइड में चाहो उस साइड में आप कर सकते हो। देखिए ये इफेक्ट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे होते हैं, आप फेस को भी दिखाना चाहते हैं और स्क्रीन को भी दिखाना चाहते हैं, तो देखिए वहाँ पे हम इस प्रकार का इफेक्ट यूज़ करते हैं। क्या होता है कि हमें स्क्रीन भी दिखाना है और साथ में हम बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपने आप को साइड में दिखाना। तो देखिए कितने प्यार से एनिमेशन के साथ में हुआ है, कितना स्मूथली हुआ है। कई लोग बिल्कुल ऐसे ही बस फुल से क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कॉर्नर पे दिखा देते, कोई स्मूथनेस नहीं होती है तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। तो गाइज आज की इस एपिसोड में ये चर्चा करने वाले कि बिल्कुल स्मूथली आप कैसे क्या रेडी कर सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज इसके लिए आपके पास दो क्लिप होनी चाहिए, एक होनी चाहिए आपके बैकग्राउंड की और एक आपकी कैमरे के द्वारा ली गई, यानी कि जो फेस आप दिखा रहे हैं, एक डेस्कटॉप हो गया और एक आपका फेस का हो गया। तो अभी मैं डेस्कटॉप की जगह पर डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेके यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए मेरे पास एक क्लिप है। तो मैं दोनों को कैमटासिया में जाके ओपन करता हूँ। तो अभी हमें जितनी जितनी नीड होगी उतना उतना रखेंगे, बाकी का हम कट कर देंगे, ओके, क्योंकि बेकार में पूरा रखना कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो अभी ये हमारी इमेज है और ये इतना हो गया, ओके। तो अभी हमें यहाँ से सपोज दैट दिखाना है तो यहाँ से मैं कट कर लूँगा। देखिए जितना पार्ट आपको कॉर्नर में दिखाना है जाके, क्योंकि अब जब आपको डेस्कटॉप दिखाना होगा तब तो आपको खुद को कॉर्नर में करना होगा ना, तो उतनी चीज़ को हम कट कर लेंगे, यानी कि उसको स्प्लिट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये तो ये देखिए आपका अलग हो गया, यानी कि इसके नीचे हमें बैकग्राउंड दिखाना है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को लाके यहाँ पे उसी के नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है। तो वो सेटिंग आपको अपने हिसाब से करनी होगी कि आप बोल रहे हैं क्या आपको दिखाना है। और ये इमेज अभी इसको जब हम क्लोज करेंगे तो इमेज हमारी अभी फुल उस पर नहीं आ रही, तो अभी इसको हम फुल करते हैं पहले, सबसे पहले एक साइड से कहीं से भी, ओके जस्ट सो अभी इसको हमने फुल कर दिया है। अब इसको छोटा करना है, हमें दिखाना है लेकिन थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ में। बट अभी इसको यहाँ से मैंने इसका व्यू जो है वो डिसेबल कर दिया था, अब इसको इनेबल किया। अब एनिमेशन पे आना है आपको और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी टिल्ट राइट जो आपको मिला है, टिल्ट लेफ्ट है, टिल्ट राइट है, तो मैं एक ही यूज़ करूँगा, टिल्ट लेफ्ट, सॉरी टिल्ट राइट, ओके। अभी इसका रोटेशन बिल्कुल नन कर दिया मैंने और इसको यहाँ से लाके जस्ट बिल्कुल यहाँ से लिया और इसको कॉर्नर पे छोटा करेंगे जितना हमें चाहिए। मेक श्योर कि आपका रेड पॉइंट यहाँ पे जो है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, बाकी बीच में अगर सेलेक्टेड होगा ये वाला पॉइंट आपका, तो बीच में कहीं पे भी सेलेक्टेड होगा तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा, वहाँ से एनिमेशन नया स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे को यहाँ से दिखाना है, ओके। तो अभी इसको पहले हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कैसा आ रहा है। तो अभी देखिए जस्ट मैं आ गया हूँ कॉर्नर पे, ठीक है। अभी इसी को कॉपी करेंगे और इसी को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे आके, और ये राइट पॉइंट जो आपका रेड वाला पॉइंट है वो सिलेक्टेड होना चाहिए और इसको जस्ट अभी मैं यहाँ से बड़ा करूँगा, ओके। तो अब इसको जाके बिल्कुल राइट साइड में कर दूंगा। तो अब देखिए ये बिल्कुल स्मूथनेस आ रही है, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जब आपका यहाँ पे ये है वीडियो, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड यानी कि सॉरी बॉर्डर अगर दे दिया जाए तो और भी बेहतरीन लुक आ सकता है। तो अभी हम यहाँ पे हम इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर हम यहाँ पर आएंगे विजुअल इफेक्ट्स में और यहाँ से इसको हम बॉर्डर देंगे, ओके। तो यहाँ से इसको बॉर्डर आप जितनी भी इसकी थिकनेस करना चाहो, बढ़ाना चाहो, दो करना चाहो, तीन करना चाहो, तो मैं भी तीन कर देता हूँ, तीन काफ़ी अच्छा होता है। और सॉरी अभी तीन किया मैंने इसको, और इसको थोड़ा सा टॉप पे ले जाऊँगा और लेफ्ट में ले जाऊँगा, तो थोड़ा सा अगर मार्जिन छोड़ देंगे तो और भी अच्छा इसका प्यारा लुक आ जाएगा। सो गाइज आपने इस वीडियो में सीखा कि आप किस तरीके से ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो डीके वेबटेक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।